I'm sorry. खैर खैर मैं बता दूंगा क्या वो. चलो 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 चलो. थैंक यू थैंक यू. क्या हो गया? हाँ. तुम यहाँ बैठे गेम खेल रहे हो, बाहर एमजे और राजा की शादी की बात हो रही है. हाँ तो उसमें कौन सी नई बात है, तो बचपन से उनकी बात तय हुई है. And that's okay with you? Yeah, as long as the family is. Unbelievable. Listen, Arsalan, एक वक्त था जब कजिन मैरिजेस होती थी, लेकिन अब लोगों को शऊर आ गया है कि कजिन मैरिजेस में कितने मेडिकल इश्यूज होते हैं. और अगर ये फैक्ट चलो छोड़ भी दो, राजा कुछ भी नहीं करता, तुम लोग एमजे की शादी कैसे उससे करवा सकते हो? क्योंकि वो एक ही घर के बच्चे हैं और एक दूसरे को जानते हैं. लेकिन तुम लोग एमजे को तो नहीं जानते ना. करियर ओरिएंटेड लड़की है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती है. राजा से कभी तुमने पूछा है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, चलो उसका गोल क्या है? कोई जवाब नहीं है उसके पास. नहीं, तुम गलत सोच रही हो. देखो राजा अभी ऐसा है, शादी के बाद जिम्मेदार हो जाएगा. और वैसे भी हर कोई शादी के बाद जिम्मेदार हो ही जाता. वैसे तुम में और तुम्हारे बाबा में ना इतना कोई फर्क नहीं है. अगर यही बात है तो शौकी भाई अभी तक बेरोजगार क्यों है? तुम लोग की फैमिली अभी तक उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों करती है? अच्छा देखो, नो आई टेल यू व्हाट, हमारे खानदान में ना जल्दी शादी हो जाती है और तुम्हारी ये सोच हमारी रिवायत नहीं बदल सकती. प्राइम, मैं एमजे से उसकी मर्जी जाने बगैर उसे कोई डिसीजन नहीं लेने दूंगी. मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे बाबा से बात करने और तुम मेरे साथ जाओगे. अच्छा चलो मैं जा रही हूँ. नूर आ रहा हूं मैं, रुको यार. नूर no.